जॉयफुल लर्निंग भाग एक प्राथमिक स्तर गतिविधि क्रमांक 29 गतिविधि का नाम जादू की सीखें तैयारी। शिक्षक अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर 4 से 5 विद्यार्थियों के समूह बनाने को कहें। प्रत्येक समूह को विद्यालय के आसपास से ढेर सारी सूखी सीखें एकत्रित करने को कहें। शिक्षक विद्यार्थियों को एक दिन पूर्व भी अपने घर से सूखी सीखें लाने को कह सकते हैं। प्रयुक्त सामग्री समान लंबाई की सूखी सीखें। गतिविधि प्रक्रिया, शिक्षक एक कहानी सुनाए। सूरज के पास कुछ सीखें थी, उन्हें उसके सारे दोस्त जादू की सीखें कहते थे। सूरज से जब कोई पूछता 7 × 5 कितना होगा, तब सूरज फटाफट सीखे जमाता और बता देता 35 होगा। ऐसे ही कितने सारे सवाल वह हल कर देता, लेकिन वह अपना तरीका किसी को नहीं बताता। उसके साथी उसे गुणा वाला जादूगर मानते थे, लेकिन उसका दोस्त मोहन इस बात को नहीं मानता था। वह हमेशा पता करने की कोशिश करता था कि मोहन गुणा कैसे करता है। आखिर एक दिन मोहन ने उसे गुणा करते देख लिया। सूरज की जादूगरी उसे तुरंत समझ आ गई। बस फिर क्या था, मोहन ने सूरज के तरीके को सबके सामने खोल कर रख दिया। तुम भी जादू की सीखें बना सकते हो। कैसे बनाओगे, यह आज मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हें 4 से 3 का गुणा करना है। पहले 4 सिक्के एक एक अंगुल की दूरी पर खड़े में जमा लो। अब 3 सिक्के ऊपर एक एक अंगुल की दूरी पर आड़ी में जमा लो। शिक्षक इसे बोर्ड पर चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। आड़ी और खड़ी सिक्के जहां जहां पर एक दूसरे से मिलती है वे जोड़ हैं। आड़ी और खड़ी सिक्कों को गिन लो, कितना आया। बस यही काम सूरज सबसे छुपकर करता था और सब उसे जादूगर मानते थे। लेकिन अब तो हम और तुम यह जादू समझ गए हैं। किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं। तरीका वही है, सीखों को आड़ा और खड़ा रखना और गिनना। अब समूह में तुम सीखों से गुणा करके नीचे लिखे सवालों के उत्तर खोजो। 5 × 7। आओ बात करें। शिक्षक विद्यार्थियों से बातचीत करें कि इस खेल में उन्हें क्या कोई कठिनाई आई है। यदि हाँ, तो शिक्षक विद्यार्थियों को दोबारा यह खेल सिखाए।